पुलिस मुठभेड़ में सात अंतर जनपदीय चोर गिरफ्तार। पुलिस की गोली से एक चोर घायल। यूपी के कौशाम्बी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चालू है। सैनी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात सयारा के एक महाविद्यालय से चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद अंतर जनपदीय चोरों को घेर लिया। खुद को घिरता देख चोरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके सात चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूट की एक बाइक, स्कूटी, दो तमंचा, कारतूस और लगभग 19,000 रुपए बरामद किए। मुठभेड़ की है, किन किन घटना में लोग शामिल थे, क्या हुआ? थाना सैनी क्षेत्र में कल सूचना थी कि अपराधियों का मूवमेंट है। कई दिनों से कई चोरी और लूट के प्रयास की घटनाएं हो रही थी। इसमें थाना सैनी पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा, रोका तो उन्होंने फायर वायर कर दी। इसमें एक व्यक्ति उनकी तरफ से घायल हुआ और 6-7 लोग पकड़े गए। उनमें उनके अब तक जो जानकारी हो पाई है 15 मुकदमे उनमें हैं, उनके ऊपर हैं और उनसे लैपटॉप, नगद कैश, असलहे और चोरी के साथ उपकरण बरामद हुए हैं। इस पर अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद यथोचित कार्रवाई की जाए। ये गैंग काफ़ी समझ काम कर रहा है, इसे कुछ बंदूकों भी लेते मुख्यालय से बराबर नागपुर। हाँ, ये 2017 से ये गैंग एक्टिव था। इसमें कुछ नाबालिग लड़के भी हैं और इनकी हिस्ट्री जनपद फतेहपुर में भी है और महाराष्ट्र के नागपुर में भी है। क्या सर, ये नाबालिग होने की वजह से छूट जाते बार बार, इसलिए हौसले भी बुलंद हो रहे हैं इनके? अब ये तो दूसरा पार्टी, इसको नहीं कुछ कर सकते।